Today I have to start brain teaser, question number 7 of chapter 14, mensuration. Let us see the question. Question says, a cylinder of curved surface area 1250 meter square is form a rectangular metallic sheet. Find the dimension of the rectangular sheet if its length is double its breadth. तो यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है विच इज फॉर्म्ड बाय द मेटेलिक रेक्टेंगुलर मेटेलिक सीट, जो कि रेक्टेंगुलर मेटेलिक सीट से फॉर्म किया गया है। तो रेक्टेंगुलर मेटेलिक सीट से जब हम सिलेंडर बनाते हैं तो आपको बताए थे कर्व सरफेस एरिया उसका और एरिया ऑफ सीट ऑफ पेपर दोनों बराबर होता है। जैसे आपको बताया गया था कि अगर जो है ये मान लीजिए है पेपर, सीट ऑफ पेपर, तो ये जो लेंथ है इसी को रोल करके बनाया गया अगर ये, तो ये जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही ये एरिया होगा। तो एरिया ऑफ सीट ऑफ पेपर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो वही आप जानेंगे यहाँ पे, और रिलेशन दिया है कि लेंथ इज डबल इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ एक्स मान लिए तो लेंथ हो जाएगा 2x। तो मान लिए लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट बी एक्स मीटर एंड लेंथ भी 2x मीटर हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया इज गिवन 1250 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया दैट मीन्स एरिया ऑफ सीट ऑफ पेपर इज गिवन, क्योंकि बताया है कि उसी पेपर से बनाया गया, तो उसका एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों इक्वल होंगे। एरिया ऑफ सीट ऑफ पेपर दैट इज इक्वल टू 1250 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सीट ऑफ पेपर दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 1250, तो लेंथ है 2x, तो 2x इनटू x इज इक्वल टू 1250 और 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। एक्स स्क्वायर 2 नीचे आ गया तो 1250 डिवाइडेड बाई 2 तो 625 आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 दैट इज 25 मीटर। तो एक्स की वैल्यू 25 मीटर आ गई और 2x लेंथ है 2x, तो 2x इज इक्वल टू 2 × 25 दैट इज 50 मीटर। तो लेंथ आ गया 50 मीटर और ब्रेथ हो गया 25 मीटर। इट इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ए रोलर आर 84 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी रिवोल्यूशन कैन द रोलर लेवल द प्ले ग्राउंड ऑफ एरिया 1584 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए डायमीटर ऑफ रोलर इज गिवेन 84 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज इक्वल टू 84/2 दैट कम्स आउट 42 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 42 सेंटीमीटर। हाइट दिया है लेंथ ऑफ द रोलर दैट इज हाइट ऑफ द रोलर 120 सेंटीमीटर। तो हम कर्व सरफेस एरिया पहले निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, रोलर जो है सिलेंडर टाइप का होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πRH। तो 2 × π 22/7 इंटू आर है 42 इंटू 120। तो अब इसको सिंप्लीफाई किए तो देखिए 7 × 6 = 42, तो आ गया 44 × 720, 6 × 120 आया 720, तो आ गया 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर आ गया। अब हमको जो है प्ले ग्राउंड को जो लेवल करना है उसका एरिया दिया हुआ है, तो क्योंकि जो लेवल होगा, देखिए जो रोलर लेवल करेगा इस तरह से लेवल करेगा, तो एक चक्कर में वो अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर जो है एरिया को कवर करता है। तो टोटल एरिया कितना चक्कर में कवर करेगा डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड डिवाइडेड बाई कर्व सरफेस एरिया। एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड है 1584 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 100 × 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया 1584000 डिवाइडेड बाई रोलर का जो देखिए आया था 31,680, डिवाइड कर दिए तो आ गया 500 रिवोल्यूशन। तो 500 रिवोल्यूशन में वो जो है पूरे प्ले ग्राउंड को रोल कर देगा। Now let us see question number 9. Water is pouring into a reservoir at the rate of 60 liter per minute. If the volume of the reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. यहाँ देखिए दिया हुआ है कि 60 liter per minute जो water को उसमें उड़ेला जा रहा है reservoir को, वो 60 liter एक minute में 60 liter को उड़ेला जा रहा है। तो वाटर जो रिजर्वायर का वॉल्यूम है वो 108 मीटर क्यूब है, तो कितना समय लगेगा, तो वॉल्यूम मालूम है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज इक्वल टू 108 मीटर क्यूब
इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो दिया है ये रेट वो 60 लीटर में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लिए तो आ गया 108000 लीटर। तो टाइम टेकन अब डिवाइड कर दें, देखिए लीटर में है तो 108000 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 60 लीटर पर मिनट है, तो ये मिनट में आंसर आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई किए तो आ गया 1800 मिनट। अब मिनट को आवर में बदल दें, तो 1 आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर से 60 से डिवाइड कर दिए तो आ गया 30 आवर्स। तो टाइम टेकन आ जाएगा 30 आवर्स। कैलकुलेशन अपने से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन आयरन पाइप इज 21 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर एंड आयरन वेट इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वेट ऑफ द पाइप। देखिए हाइट 21 मीटर दिया है, मतलब 2100 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर दिया है, यह तो एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगा 8/2, दैट इज 4 सेंटीमीटर। थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस में से थिकनेस को माइनस करेंगे तो इंटरनल रेडियस आ जाएगा, तो इंटरनल रेडियस इक्वल टू 4 - 1, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप का फार्मूला आपको बताया गया है। वॉल्यूम ऑफ पाइप, देखिए पाइप इस तरह से, तो पाइप के लिए आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो पाइप जो है वॉल्यूम ऑफ पाइप ये इसी में होता है, ये वेट इसी में होगा, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम अगर आप करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ पाइप आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर आउटर रेडियस, स्मॉल आर इनर रेडियस, पाई एच कॉमन ले लीजिए क्योंकि पाई और एच सेम है दोनों में, तो आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू बैठा दीजिए 22/7 इंटू एच है 2100 इंटू आर है 4² - 3² हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, तो आ जाएगा 6600 इंटू 16 - 9, दैट कम्स आउट 7, तो 6600 इंटू 7 दैट इक्वल टू 46200 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ पाइप आ गया। वेट निकालने के लिए दिया हुआ है कि 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दें तो वेट आ जाएगा, तो वेट इज इक्वल टू 46200 × 8, दैट कम्स आउट 369600 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो बाई 1000 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 369.6 kg, ये आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। ए वेल इज डग 20 मीटर डीप एंड इट हैज ए डायमीटर 7 मीटर। द अर्थ विच इज सो डग आउट इज स्प्रेडली इवनली ऑन ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 22 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर ब्रॉड, वॉट इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर्म। तो यहाँ देखिए ये वेल जो है सिलिंड्रिकल फॉर्म में डिप किया गया, गड्ढा किया गया। अब इस मिट्टी, इससे जो मिट्टी निकली उससे एक जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाया गया, ठीक है, स्प्रेड किया गया प्लेटफॉर्म, रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म बनाया गया। यहाँ पे देखिए जो 20 मीटर डीप जो दिया है, मीन्स हाइट दिया, हाइट हो गया 20 मीटर और डायमीटर है 7 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2, और जो प्लेटफॉर्म बना उसका लेंथ है 22 मीटर, विड्थ है 14 मीटर और हाइट निकालना है। तो देखिए जब किसी चीज़ से दूसरी नई चीज़ बनाई जा रही है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो हम वॉल्यूम को कंपेयर कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन प्लेटफॉर्म दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, जो प्लेटफॉर्म में मिट्टी है और जो मिट्टी निकाली गई दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन प्लेटफॉर्म दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन डग अर्थ डग। तो वॉल्यूम प्लेटफॉर्म जो है क्यूबाइडल फॉर्म में है, क्यूबाइडल तो एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, एल है 22 इंटू बी है 14 इंटू एच इज इक्वल टू पाई 22/7 इंटू आर है 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच है 20। सिंप्लीफाई किए तो एच इज इक्वल टू आ गया 11 इंटू 7 इंटू 10 बाय 22 इंटू 14, यहाँ सिंप्लीफाई कर लिए हैं अपने से आप कर लेंगे तो आ जाएगा 5/2, दैट इज 2.5 मीटर। तो हाइट आ जाएगा, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर, ठीक है, सिंप्लीफाई अपने से कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 448 π cm² एंड हाइट इज 7 cm, फाइंड लैटरल सरफेस एरिया एंड कॉर्ड टोटल सरफेस एरिया।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 448 पाई दिया है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हम फार्मूला जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 448 पाई, तो पाई आर स्क्वायर एच है 7 इंटू 7 इक्वल टू 448 पाई, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 448 पाई बाई पाई इंटू 7, पाई और 7 नीचे ले आए तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 7 से इसको कैंसिल किया तो 64 आया, तो आर स्क्वायर आया 64, तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, दैट कम्स आउट 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया 8 सेंटीमीटर, तो लेटरल सर्फेस एरिया दैट मीन्स कर्व सर्फेस एरिया 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई 22 बाई 7 इंटू आर है 8 इंटू हाइट है एच 7, तो 7 7 कैंसिल हो गया, तो आ गया 44 इंटू 8, दैट कम्स आउट 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट एच प्लस आर, तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 8 दैट इज 44 इंटू 8 इंटू 15 बाई 7, तो आ गया 5280 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका जो है आंसर हो गया 754.28 मीटर स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लिए तो ये आ गया। अब देखिए वेरीफाई आइलर्स फार्मूला फॉर स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड के लिए देखिए फेस दिया हुआ है, फेस इज इक्वल टू स्क्वायर पिरामिड के लिए फेस आप काउंट कर लेंगे, फेस हो जाएगा 5, वर्टिसेस हो जाएगा 5, देखिए ये स्क्वायर पिरामिड है तो इसमें जो है आपका वर्टिसेस 5 हो जाएगा, एज यहाँ पे काउंट किए एज हो जाएगा 8, ठीक है, तो फॉर्मूला इसको जो है आप किए f प्लस बी इज इक्वल टू निकाल लिए तो 5 प्लस 5 10 आया, e प्लस 2 निकाले तो e है 8 प्लस 2 10 आ गया, दोनों बराबर आ गए तो आइलर्स फार्मूला वेरीफाई हो गया, देयरफॉर f प्लस बी इज इक्वल टू e प्लस 2, तो आइलर्स फार्मूला वेरीफाई करने के लिए फेसेज वर्टिसेस और एजेस निकाल लेंगे और f प्लस बी इज इक्वल टू e प्लस 2 दिखा देंगे। उसी तरह से ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखिए हम फेसेस देखिए कितना हुआ, 5 फेसेस हुए और एज है 9, वर्टिसेस है 6, काउंट कर लेंगे f प्लस बी निकाले तो 5 प्लस 6 दैट इज 11 आ गया, e प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 2 ये भी 11 आ गया, देयरफॉर वी सी दैट f प्लस बी इज इक्वल टू e प्लस 2। अब ये वेरीफाई हो गया। रेक्टेंगुलर प्रिज्म के लिए देखते हैं, देखिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म में फेसेस होते हैं 6, एजेस 12 और वर्टिसेस 8, ये हम फिगर से निकाल लिए, f प्लस बी निकाले, f प्लस बी इज इक्वल टू 6 प्लस 8 दैट इज 14 और e प्लस 2 12 प्लस 2 ये भी 14 आ गया, देयरफॉर f प्लस बी इज इक्वल टू e प्लस 2, f प्लस बी इज इक्वल टू e प्लस 2, हेंस वेरीफाई द आइलर्स फार्मूला। इस तरह से आप वेरीफाई कर लेंगे।